फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो, सुबह से बारिश आ रही है। सुबह शुरू हुई थी बारिश 4 बजे, तो अब टाइम हो चुका है 11 बज चुकी है, तो कम से कम 6-7 घंटे हो गए हैं, तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और वैसे तो बहुत अच्छा हुआ बारिश आ रही है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है, उनको फसल के लिए खूब पानी मिल जाएगा और हम जैसों को भी बहुत अच्छा है कि गर्मी से राहत मिलेगी। देखो कितना प्यारा मौसम हो चुका है इस समय। और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, ऑन द रोड सड़क, तो मुझे बारिश में बाहर जाना पड़ेगा। इस समय मैं छतरी भी लेकर नहीं आई, छाता, तो मेरा मोबाइल भी भीग चुका है, मैं भी भीग चुकी हूँ, तो मैं स्टूडियो पे चढ़ के बाहर दिखाऊंगी आपको। देखो क्या मौसम हो गया, बारिश ही बारिश इस समय। देखो कितनी हरियाली हरियाली हो गई है। ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, यहाँ पे दुकानें बन रही हैं कुछ, तो ये देखो कितना मौसम अच्छा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ अंदर, जो कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज है। ये कल मैंने छोटी सी बन्नी बनाई थी, बारिश आती है बहुत तेज तो पानी सारा अंदर आ जाता है जब बारिश का प्रेशर ज़्यादा होता है। आज सुबह भी बारिश बहुत तेज थी, तो इस बन्नी ने पानी अंदर आने के लिए रोक दिया। ये देखो, कल मैंने खुद बनाई थी, मैंने खुद मिस्त्री का काम किया था, तो बारिश बहुत तेज है, तो देखती हूँ जंत क्या कर रहा है। चलते हैं जंत के पास, जो कि लाइट है, ये भी शुक्र है लाइट है, अगर लाइट ना होती तो बहुत दिक्कत हो जाती। ननू क्या कर रहा तू, जयंत क्या कर रहा है, थोड़ा पढ़ ले बेटा, मौसम अच्छा है, आज पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बारिश में ना आएगा, ये बारिश ना नहीं की, अब पापा से पूछ ले पहले, जा। सावन की पहली बारिश और कितनी मस्त है, गर्मी से राहत मिल गई सबको, हमें भी, आप लोगों को भी। अगर जहाँ जहाँ बारिश आ रही है तो सबको राहत मिली है बारिश से, और सॉरी गर्मी से राहत मिली है। तो बारिश में ये जो छोटे छोटे मिट्टी के कीड़े होते हैं, इसको कई तो हमारे में तो मिट्टी के कीड़े कहते हैं, बाकी कई लोग इसको डंडोए कुछ नाम देते हैं। बाकी ये देखना कैसे हैं, मिट्टी में पैदा होते हैं। देना है कुछ तीला चूला, अब इसको मैं बाहर निकालूंगी सारों को। ये देखो कितने आ गए हैं, ये देखो, ये देखो बहुत आ गए हैं, तो इसको मैं बाहर निकालूंगी, काफ़ी आ गए। उस देखो स्कूटी के नीचे भी आ गए हैं, बहुत हैं, इसको अपन बाहर निकालते हैं। तो यहाँ हमारी पड़ी है मशीन, मैं यहाँ पर कपड़े धोती हूँ, पहले मैं काम करती हूँ इनको बाहर निकालने का, ताकि ये कमरे में ना आ जाए। ये देखो मैंने स्कूटी के नीचे से सारे निकाल दिए। ये डंडोए ऐसे होते हैं, मतलब मिट्टी के कीड़े, इनको हल्का सा भी टच करो, हाथ लगाओ, तो ये बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। तो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी आपको। एक लेती हूँ तीला, ये देखो ये हैं छोटे छोटे, ये देखो इनको हल्का सा टच करने पर ये बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। ये देखो कितने हैं, ये देखो काफ़ी बड़े बड़े थे, तो जो मैंने पानी से सारे पार भगा दिए। तो सब भाग गया, कुछ एक आता होगा, अपने आप निकल जाएंगे। ये मिट्टी है ना, सारी हमारी मिट्टी है। देखो यहाँ पर बिल्कुल कच्चा है, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जियाँ उगाते हैं, ये सब कच्ची जगह हमारी, तो इसलिए मिट्टी के कारण यहाँ ये मिट्टी के कीड़े आ चुके हैं। तो ये हमारे ऊपर शेड लगी हुई है, इसलिए थोड़ा बचाव हो गया। जंत ना रहा है गर्मी बारिश में, मोटर कर दूँ बंद।
नहीं तो वो वाला गेट बंद कर गया। देखो कितना मस्त मस्त मौसम में नहाने का मज़ा कुछ हो रहा है। फाइनली बारिश अब रुक गई है तो बादल तो अभी भी बने हुए हैं, देखो काले काले बादल हो चुके हैं। अच्छा लगता है, अब भी दोबारा बारिश आने की पूरी संभावना है। बाकी बारिश आ तो जाती है पर हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही घेरा हो जाता है बारिश से। तो नन्नू गए अब खेलने। अब वैसे मौसम बहुत अच्छा हो गया, देखो पेड़, वातावरण कितना अच्छा हो गया। गांव में वैसे बहुत अच्छा मौसम हो जाता है क्योंकि गांव में खुला खुला वातावरण एकदम बहुत अच्छा होता है। देखो कितने प्यारे पेड़ लग रहे हैं। तो इस समय टाइम हो चुका है, दो बज चुके हैं दोपहर के, ऐसे लगता है जैसे शाम हो गई हो। सावन की बारिश कितनी प्यारी है, सावन लग चुका है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, चंद आ जाएगा तो शाम को चाय बनाएंगे, तो चाय बनाने के टाइम आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या बनाया चाय के साथ। तो अब हम देखेंगे बाहर का मौसम। तो जयंत और मैं जा रहे हैं बाहर देखने, आज प्यारा प्यारा गोलू मोलू मेरे साथ जाएगा। ननू इसको पर पैर मत रख, अभी साफ होने देना इसको। ओए बादल देख कितना काला और कितना अच्छा मौसम। जयंत चल दिखा आप कितना होमवर्क किया तूने। मैं ना 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 चल 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 चल, आज देखते जयंत ने कितना होमवर्क किया है। चल तो आज देखते हैं, सुबह से मैं जद को कह रही हूँ कि होमवर्क कर ले कर ले कर ले, फिर स्कूल खुल जाएंगे तो क्या बनेगा तेरा। अभी नहीं खुले, चल तू दिखा पहले मेरे को होमवर्क दिखा, चल 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 दिखा पहले। नहीं देखना जयंत क्या कर रहा है, कितनी वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रही है। अब जब से लॉकडाउन हुआ ना, और कोई बिगड़ा है नहीं बिगड़ा, हमारा नन्नू बिगड़ गया है ना। ननू चल आ जा दिखा पहले कितना का होमवर्क किया, फिर खेलने जाइयो, चल आ जल्दी आ दिखा। आप ननू दिखाएगा कि आज ननू ने क्या क्या होमवर्क किया है, दिखा जल्दी आ, फिर साथ साथ तेरी पिटाई भी हो जाएगी। दिखा रुक पहले मेरे को लाइट ऑन करने दे। दिखा कितना हो रखी है, देखो भी जन देख। मैं कुछ दिखाऊंगा यहाँ से लेके अब यहाँ तक। अच्छा चलो मैं यहाँ से आगे। बस देखो भाई जयंत को मैंने सुबह से बोला जयंत काम कर ले काम कर ले होमवर्क कर ले, बट जयंत सिर्फ डेढ़ पेज काम किया है, ढाई पांच पेज सुबह काम किए थे और डेढ़ पेज अब किया है। तो प्लीज आप कमेंट में ये कहा करो कि जयंत स्टडी कर ले, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आएगी जब स्कूल ओपन हो जाएंगे इसके। तो मेरा कैसी होती काश, फिर क्या होता कितनी अक्का विच पंटे तरे और। तो जयंत को आप प्लीज बोलो, जयंत पता नहीं है, जयंत की मैं आज पिटाई कर दूंगी बहुत 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 ज्यादा। तो सुबह में मैं आज क्यों नहीं, अब भाई आप इसको बोला करो क्योंकि स्टडी बहुत जरूरी है और मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा पढ़े, और खासतौर ये मेरा छोटा मोटा गोलू मोलू प्यारा सा क्यूट सा, तो आप इसको प्लीज स्टडी के लिए बोला करो।